केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे और उन्होंने शनिवार को आयोजित होने वाली भव्य होली स्नेह मिलन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। शेखावत ने समारोह के संबंध में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। जनशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और दीपावली स्नेह मिलन के दौरान मौरवी हादसा होने के कारण सभी स्नेह मिलन कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। इस कारण इस बार होली पर जोधपुर शहर के 3 विधानसभा क्षेत्रों का एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भाजपा का बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी के वृद्ध स्वरूप की जानकारी मिले, साथ ही वो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिले, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को निमंत्रण दिया गया है। वहीं इसके अलावा कई प्रदेश पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चुनाव से जोड़कर इस कार्यक्रम को देखना गलत नहीं होगा। भाजपा चुनाव के दौरान नहीं बल्कि हर समय आमजन के बीच रहकर काम करती है। वहीं हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के जोधपुर दौरे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है और कुछ दिन पहले केजरीवाल भी आए थे। उन्होंने कहा अभी तो आने वाले दिनों में कई और नेता इधर उधर होने की तैयारी में है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब चुनाव होंगे और बादल छटेंगे तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय सोपा की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं का एक साथ मिलना बैठना, आपस में चर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि परिवार भाव के साथ में काम करने वाली पार्टी है तो सहजता के साथ में इस तरह के संबंध मिले रहे और साथ साथ में इन संबंधों के द्वारा हम आपसी सौहार्द को बढ़ा करके परिवार भाव को और अधिक परिपुष्ट करें, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा रही है। दिवाली के समय ये तय किया था कि दिवाली स्नेह मिलन जोधपुर शहर की 3 विधानसभाओं का थोड़ा भव्य स्तर पर करें, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ एकत्रित होकर के एक दूसरे से मिलने का, शुभकामनाएं देने का अवसर मिले, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जो तिथि तय की थी उससे 2 दिन पहले ही मोरबी का दर्दनाक हादसा हो जाने के कारण से देश भर में भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आग्रह से कहा था कि क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी गई है, सैकड़ों परिवारों में एक साथ गम के बादल छाए हैं और क्योंकि हम सभी एक परिवार हैं इसलिए हम कहीं खुशी मनाएं ये उपयुक्त नहीं है। तो जो का दिवाली पे नहीं कर पाए थे इसलिए होली के अवसर पर एक बार सभी लोगों के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले स्थानीय स्तर पर, कुछ विधानसभाओं के स्तर पर, कहीं मंडल के स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन पूरे शहर के 3 विधानसभाओं का एक साथ कार्यक्रम हो और जो कार्यकर्ताओं का बृहद परिवार है, भारतीय जनता पार्टी आज बूथ तक और बूथ पर भी बूथ की पूरी 21 लोगों की समिति तक भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ा है। एक बार जोधपुर शहर की भारतीय जनता पार्टी का बूथ की इकाई में काम करने वाला 21वें नंबर का कार्यकर्ता, जो 21 कार्यकर्ताओं की सूची है, वो भी आकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बृहद रूप को देखे और जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देने के बाद में, गीता का उपदेश देने के बाद में अर्जुन को अपने महत्ता को साक्षात्कार कराने के लिए बृहद रूप का दर्शन दिया था, जो छोटा भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, जिसने पहला दायित्व लिया है, जो बूथ के दायित्व के साथ में काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के इस वृहत रूप को देखे, इस विराट रूप को देखे, ताकि उसके मन में भी उसकी संकल्प शक्ति भी और दृढ़ हो, उसके काम करने की इच्छा शक्ति। ये तो बीच